जहां एक तरफ लोकसभा की सीटों में समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेतागण एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब सिरसागंज विधायक हरिओम यादव जेल चले गए, तब उनके भाई राम प्रकाश उर्फ नेहरू ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम प्रकाश यादव को कलंकित कह दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेतागणों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यह बताया कि सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के भाई राम प्रकाश नेहरू ने जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लिए अपशब्द टिप्पणी कही थी, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और राम प्रकाश नेहरू ने हरिओम यादव के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह तो कलंकित लोग हैं जिन्होंने पार्टी की छवि हमेशा खराब की है। हम तो शुरू से ही कहते थे कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण प्रोफेसर राम गोपाल के प्रति कोई भी शब्द नहीं सुनेंगे। आपने देखा कि प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेतागणों ने आरोप प्रत्यारोप को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी का समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि वह लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी में जो घमासान हो रहा है, क्या वह 2019 तक के चुनाव तक सही हो पाएगा, या समाजवादी पार्टी को 2014 की तरह फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट। जो कल अखबार में श्री हरिओम यादव विधायक जी के बड़े भाई श्री राम प्रकाश जी ने जो उनका बयान आया है, जो प्रेस वार्ता की है, उस परिप्रेक्ष्य में आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माननीय प्रोफेसर साहब के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रोफेसर साहब के ऊपर किसी भी तरह के जो इन्होंने आरोप राम प्रकाश जी ने लगाए हैं, उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं, और इन आरोपों में किसी तरह की कोई दम नहीं है। इनके देखिए, जनता के सामने तो पूरी कार्रवाई कर दी गई है, अब विधिवत कार्रवाई के लिए पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है। अगर ऐसे अगर पार्टी में जो छवि खराब कर रहे पार्टी की, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई है? मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई, इसमें जल्दी ही कोई निर्णय होगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और इसलिए कई चीज़ों का ध्यान, टेक्निकल बातें, कई चीज़ों का ध्यान पार्टी रखेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। समाजवादी पार्टी के सिरसागंज के विधायक माननीय हरिओम यादव जी के बड़े भाई श्री राम प्रकाश यादव जी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के ऊपर बेबुनियाद अनर्गल जो आरोप लगाए हैं, उनकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये आईना भी दिखाना चाहते हैं कि जिस सैफई परिवार की वजह से आदरणीय विधायक जी के परिवार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हैसियत बनी है, उसी सैफई परिवार में अपनी लड़की को देने के बाद अपनी लड़की के परिवार के बड़े लोगों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाना कहाँ तक न्याय उचित है? हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी में रहे जरूर हैं विधायक जी, लेकिन विधायक जी के जो पुराने कारनामे हैं, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को क्षति पहुंचाने वाले रहे हैं। श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्वयं सिरसागंज से विधायक विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं सपा से, और उनके सगे बड़े भाई आदरणीय श्री राम प्रकाश जी निर्दलीय तौर पर सिकोहावास से चुनाव लड़के
समाजवादी पार्टी को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, सैफई परिवार को कमजोर करने का काम करते हैं, तो इस बात की हम सारे लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आगे आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि इनको भी अपना आईना देख लेना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की तब तक मजबूती होती है जब वो किसी राजनीतिक दल अथवा किसी संगठन के साथ जुड़ा होता है, और जब संगठन अथवा राजनीतिक दल को धोखा देता है तो निश्चित तौर से वो अपने आप को भी कमजोर ही साबित होता है। सच्चाई तो ये, जिन्होंने जिसको नेहरू नाम कहते हो तो कलंकित आदमी है, और उस इनके जिनके बटे सुना तिनई ठोर, इन्हीं के सैपई के बल पे ही ये फले फूले, नहीं तो अगर जिले से भी निकल जाते। कलंकित तो दुनिया हमारा पूरा क्षेत्र जानता है, चर्त से, ठगई से, पकड़ से, लूट से, जितना क्राइम जब जब इन पर ताकत आई है तभी तभी क्राइम बढ़ा है। मैं इस बात को 20 साल से माननीय प्रोफेसर कह रहा था, और मैं इसी आदमी की वजह से मैंने पार्टी भी छोड़ी थी 2002 में। और इस मैं बता रहा हूँ, भगवान दास संगवार जो है जिला पंचायत सदस्य 5 में चुने गए 95 में, तो उनका अपहरण कर लिया हमारे सामने और रेटा ले गए। उनका दामाद जो सुबोध है वो पकड़ के ले गया, फिर मातो साहब के घर में लाए, उसके मुँह में मिठाई ठूसने लगे, जबरदस्ती रोने लगा बेचारा। इनने तमाम पकड़ें कराई। अब वो पुरानी जो आदत है उनकी, जो दलाली करते रहे और वो करते रहे, तो माँ जेल से भी कर रहे हैं आदि। पहले दूसरे टाइम भी पकड़ करते थे, अब दूसरे टाइम जो भी पकड़े है सदस्यों को पकड़े हुए अपना दूना तिगुना कर लिया। तो हमेशा सैपई के बल पे ये बड़े हम तो निवेदन करते पार्टी, मुझे तो ये है कि पार्टी को जनता के बीच इनका भ्रम है, पार्टी और विधायक जी के जो बीच में भ्रम है कि दोबारा ना आ जाए। अगर पार्टी भ्रम खत्म कर देगी, इनको निकाल के बाहर कर देगी, तो निश्चित रूप से अच्छा यादव 2 लाख से जीतेंगे, पहले की अपेक्षा ढूंढे वोटों से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है जनता के प्रति। जनता इन्हें नहीं चाहती है, लेकिन जो चतुर चालाक आदमी है वो इनके प्रति इसलिए जुड़ जाते हैं कि दोबारा नहीं रिश्तेदारी की वजह से आ जाए, फिर पावर ना जाए। जब पावर आ जाते हैं तो जनता को बहुत परेशान करते हैं। 307 एक धारा ऐसी है कि ऐसो को जब जब ये ताड़ना करते हो तो ऐसे मनोनीत धारा है, उसे एप्लीकेशन पे ही लिख लेते हैं और फिर इसे हैरान करते हैं। जेल इसलिए गए कि जो लोग इन्हें जेल भेजे, 500 आदमी की लिस्ट दे सकता हूँ यादव लोग जेल भेजे 307 फर्जी, उनकी आत्माओं की भावना से जेल गए। समय किसी को छोड़ता नहीं है, जो वो समय अब आ गया जो लोगों को जेल भेजा इन्होंने, निर्दोष भेजा। श्री केला देवी सेवा समिति द्वारा शिव पार्वती विवाह के अंतर्गत हिंदू सर्व समाज की कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 16 मार्च 2018 दिन शुक्रवार कलश यात्रा प्रातः 9 बजे से, 17 मार्च 2018 दिन शनिवार शिव पार्वती की कथा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से, 18 मार्च 2018 दिन रविवार हिंदू सर्व समाज की कन्याओं के विवाह का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। स्थान श्री छेल बिहारी एवं श्री रामस्वरूप चक्खन लाल गेस्ट हाउस पेमेश्वर गेट फिरोजाबाद। जो धर्म प्रेमी इस कार्यक्रम में कन्याओं के विवाह हेतु दान देने के इच्छुक हैं तो संपर्क करें अशोक कुमार गुप्ता 9219607491, मुन्नालाल राठौर 8979845418, ओमकार नाथ बाबा 9410661481।